कहां गए वो अखिलेश यादव और कहां गए वो प्रियंका गांधी? क्यों वो इंसान नहीं था जिसकी हत्या कर दी गई, पीट पीट कर मार दिया? कौन था वो? क्यों नहीं जा रहे उस बाबर के घर में आप लोग? कौन बाबर? कौन बाबर? कौन बाबर? ये पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों नहीं हो रहा बाबर के यहाँ? क्यों नहीं हो रहा पॉलिटिकल टूरिज्म? अखलाक के यहाँ जाते थे, अखलाक के यहाँ जाते थे, बाबर के यहाँ नहीं जाओगे क्यों? आप टॉपिक को घुमा रहे हैं, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है। आज एक खबर आई, वो खबर किसी भी राजनीतिक नजरिए से कैसी भी हो सकती है, किसने आग लगाई, किसने धुआं उठाया, क्या हो सकता है वो, मैं उस ये सवाल मेरा आपसे भी है, चंद्रमोहन शर्मा जी से भी है। बाबर ने वोट दिया, बाबर ने मिठाई बांटी और बाबर की हत्या हो गई। समझ रहे शिल्पी जी, बाबर की हत्या हो गई, अखिलेश यादव ने इस विषय को लेकर क्या कहा? ना ना, ना मुस्कुराइए मत शिल्पी जी। कौन बाबर? कौन बाबर? कौन बाबर? अगर यही चुनाव के वक्त ये अच्छा मतलब बाबर का वोट चाहिए आपको, वही तो अब्बा जान है, ये बाबर का वोट चाहिए और आप कह रहे हैं कि कौन बाबर? अरे वो अब्बा जान है, सेक्युलर है, बाबर को भी नहीं जान रही है क्या? अब बाबर को भी नहीं जानते आप? आपको अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए शिल्पी जी, यही ये पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों नहीं हो रहा बाबर के यहाँ? क्यों नहीं हो रहा पॉलिटिकल टूरिज्म? कहां गए वो अखिलेश यादव और कहां गए वो प्रियंका गांधी? क्यों वो इंसान नहीं था जिसकी हत्या कर दी गई, पीट पीट कर मार दिया? कौन था वो? क्यों नहीं जा रहे उस बाबर के घर में आप लोग? क्यों नहीं हो रहा पॉलिटिकल टूरिज्म? हम नहीं करते हैं तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए इसलिए, चुनाव खत्म हो गए इसलिए शिल्पी जी, कल पहले वाला बाबर की कल वाला बाबर ये भी बता दीजिए इनको, नहीं भाई मरवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको बिल्कुल पता होगा। क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा होता? क्यों चुनाव खत्म हो गए? क्यों चुनाव खत्म हो गए? क्या वो बीजेपी का सपोर्टर था? क्या वो बीजेपी का सपोर्टर था? नहीं हमारे नेता पॉलिटिकल टूरिज्म का। क्यों अखलाक के यहाँ जाते थे बाबर के यहाँ नहीं जाओगे? पॉलिटिकल टूरिज्म अखलाक के यहाँ जाते थे, अखलाक के यहाँ जाते थे बाबर के यहाँ नहीं जाओगे क्यों? जब समय आएगा बिल्कुल जाएंगे। अच्छा तब आपको समय चाहिए, अभी समय चाहिए, चुनाव नहीं है इसलिए। मैंने पूछा मतलब अखलाक के यहाँ जाओगे तो ठीक है, बाबर के यहाँ नहीं जाओगे क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था, यही समझा रहे हैं आप मुझे? बीजेपी को भाई देखिए मैंने आपसे पूछा ना कि कौन बाबर? कौन बाबर? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया होता तो आपको बता के गया था, तो आपको बता के गया था, वोट नहीं दिया आपको बता के गया था मैडम? किसी का इंतकाल हो गया कम से कम उस पर शर्म करिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी कब पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं? हाथरस जाएंगे, उन्नाव जाएंगे, लखीमपुर जाएंगे, लेकिन वो बाबर के यहाँ क्यों नहीं जाएंगे और कब जाएंगे? तिलक जी अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और मौका दीजिएगा। देखिए ना तो प्रियंका गांधी कभी टूरिज्म पे जाती है, ना कोई टूरिज्म का मुद्दा उठाती है। जवाब वो देंगे जो लोग आज बाबर के हितेशी बन गए हैं, क्योंकि अगर बाबर ने जय श्री राम के नारे लगा दिए तो जो मैं कहता हूं अक्सर आज सिद्ध हो गया आपकी इस डिबेट के अंदर कि राम जी सबरी के बेर खाएंगे, ये राम को पूजेंगे जरूर लेकिन सबरी को मंदिर में नहीं आने देंगे, क्योंकि इनका तिलक जो है वो उसको सबरी को मंदिर में आने में रोक देगा, राम जी भले उसके बेर खा लें। तो ये जो ध्रुवीकरण है ये भाजपा को शोभित करता है, भाजपा को तिलक पर शोभित करता है। आप क्यों नहीं जा रहे? मैं ये पूछ रहा हूं बाबर का, प्रियंका जी क्यों नहीं जा रही, राहुल जी क्यों नहीं जा रहे? उन्नाव हाथरस जाओगे ना, चुनाव खत्म हो गए, जाना उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन लोगों के लिए उसने नारे लगाए। क्यों? और बाबर का आपको अफसोस नहीं हुआ? बाबर की हत्या हो गई, आपको वोट करता तो कहना कि कुछ नेता आपको अफसोस नहीं हुआ? तो उनके मुंह पे बाबर की हत्या हुई, आपको अफसोस नहीं हुआ? एक देश का नागरिक, बाबर की हत्या हुई, आपको अफसोस नहीं हुआ? सबकी बात करता है, उनके रहते वो है सुरक्षित है, तो उनके मुंह पे तमाचा है, उस सूबे के मुख्यमंत्री पे तमाचा है, मतलब नहीं आप लगा सकता? अच्छा अखलाक के यहाँ जाना है तो उसकी असुरक्षा क्यों हुई? अखलाक के यहाँ जाएंगे, बाबर के यहाँ नहीं जाएंगे?
अखलाक के यहाँ जाएंगे, बाबर के यहाँ नहीं जाएंगे। आप टॉपिक को घुमा रहे हैं, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है। अगर हम जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि वो भाजपा का आदमी है। मैं पूछ रहा हूँ कि उसके होते हुए क्यों क्यों हुई इसकी डेथ? एक ऐसे शासन के होते हुए, एक ऐसे मुख्यमंत्री के होते हुए, एक मेरे देश के नागरिक की जो सनातन होके उसने एक मजहब का जयकारा लगाया, तो उसको ऐसी सुरक्षा क्यों मिली? मैं समझ गया। उसका जिम्मेवार कौन है? मैं समझ गया। सरकार किसकी थी? बिल्कुल सही। रहते हुए उसकी डेथ हुई? मैं कह रहा हूँ यही सवाल उठाओ, जवाब देंगे वो। बिल्कुल उठाने चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए।